डॉक्टर शलभ बंसल, रेडियोलॉजिस्ट जो 20 वर्षों से हेल्थ केयर में एक सुप्रसिद्ध नाम है, जिन्हें देश व विदेश में क्रॉस सेक्शनल इमेजिंग करने का अनुभव प्राप्त है, और अपने इसी अनुभव और एक्सपर्टीज के साथ डॉक्टर बंसल लेकर आए हैं एक स्टेट ऑफ द आर्ट डायग्नोस्टिक सेंटर। बड़ों को मशीनों द्वारा उत्पन्न अत्यधिक शोर से होने वाली दिक्कतों जैसे क्लॉस्ट्रोफोबिया व एंग्जाइटी को ध्यान में रखते हुए हमने एक हाईटेक ऑडियो विजुअल MRI सिस्टम लगाया है। टेस्ला इमेजिंग एंड डायग्नोस्टिक सेंटर। मेरठ थाना सरूरपुर पांचली बुजुर्ग निवासी अशोक जाटव की नाबालिग बेटी को दुष्कर्म के 6 माह बाद से न्याय के लिए भटकने पर भी प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं। दरअसल जानकारी के मुताबिक पीड़िता का नाम शगुन है और वह नाबालिग है। उसके साथ गांव के कुछ दबंगों ने लगभग 6 महीने पहले दुष्कर्म किया था, जिसकी रिपोर्ट पीड़िता ने थाना सरूरपुर में कराई थी। कार्रवाई न होने पर 4 नवंबर को समाधान दिवस पर पीड़ित परिवार ने सरधना तहसील में अधिकारियों के सामने आत्मदाह करने का प्रयास किया और कहा कि आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। पिछले दिनों दबंगों ने घर में घुसकर रिपोर्ट वापस लेने को कहा और जान से मारने की धमकी दी व जाति सूचक शब्द कहे। कल 5 नवंबर को पीड़िता ने साधारणपुर पहुंचकर आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर से गुहार लगाई, जिसके बाद आज SSP ऑफिस पर पहुंचकर आजाद समाज पार्टी ने हंगामा किया और न्याय की गुहार लगाई। देखिए कि कुछ एक परिवार है जो पीड़ित है, उसको लेकर के यहाँ SP दया साहब से मुलाकात करने आए हैं। लगभग 6 माह पहले ये एक लड़की है, नाबालिग है, शगुन, जो पांचली बुजुर्ग की रहने वाली है, उसके साथ गांव के ही कुछ दबंगों ने रेप किया, जिसमें FIR दर्ज हुई। उसमें इनके 164 के बयान भी हुए, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस की लापरवाही देखिए कि उसमें FIR लगा दी और मुकदमे को ख़त्म कर दिया। फिर उन्हीं लोगों ने 2-3 दिन पहले इनको घर में घुसकर, काफ़ी संख्या में गुंडे इनके घर में आए, वो घुसे, उन्होंने घुसकर जान से मारने की धमकी दी, इन्हें जान से मारने का प्रयास किया और जाति सूचक का शब्द कहे, जिसकी वीडियो भी हैं हमारे पास। परिवार को न्याय नहीं मिल रहा था। परिवार ने दिनांक 4/11/2023 को समाधान दिवस पर अधिकारियों के सामने केरोसिन छिड़क कर आत्मदाह करने का प्रयास किया। ये सरकार के लिए भी एक बड़ी चुनौती है। जहां सरकार दलितों का सम्मेलन कर रही है, पिछड़ों का सम्मेलन कर रही है, वहां दलित और पिछड़े कहीं ना कहीं न्याय की गुहार लगाते रहे हैं और न्याय के लिए भटक रहे हैं। कहीं भी आम जनता आज अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रही है। मांग एक तो थाना के पुलिसकर्मी हैं जो दोषी हैं, जिन लोगों ने ऐसी घटना को अंजाम दिया है, निंदनीय कार्य किया है, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। और आपके मीडिया बंधुओं के माध्यम से मैं ये कह देना चाहता हूँ कि ऐसा मैंने माहौल कहीं नहीं देखा। थाना पुलिस को पूरी छूट दी गई है सरकार की तरफ से कि खूब आप लूट मचाओ और जो जी करे वो करो। हर तरफ, चारों तरफ पैसे का बोलबाला है। गरीब को, पीड़ित को कहीं भी न्याय नहीं मिल रहा है। कल परिवार हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी से मिला है और चंद्रशेखर भाई ने यह आह्वान भी किया है कि जल्द जितने भी यहाँ मुकदमे हैं, इस तरह की घटनाएं हैं जो दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों पर हो रही है, अगर उन पर रोकथाम नहीं लगी तो आने वाली 8 दिसंबर को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की अगुवाई में जनपद मेरठ में जिलाधिकारी कार्यालय पर एक घेराव होगा और प्रदर्शन होगा, जिसमें लाखों की संख्या में लोग पहुँचेंगे ताकि सरकार की आँख खोलने का काम आज़ाद समाज पार्टी और उसके कार्यकर्ता करें। आज हम लोगों ने यहाँ मांग रखी है, हम लोग ज्ञापन के माध्यम से अब SP दया साहब से मांग करेंगे कि उस केस की रीइन्वेस्टिगेशन हो, जो मुकदमा इसने बिटिया ने दर्ज कराया था, और उन आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी हो ताकि पुलिस प्रशासन पर आम जनता। अभी के लिए इतना ही, आप देखते रहिए FirstBite.TV।